बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कंप्यूटर साइंस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट प्रिंटर्स, और प्रिंटर्स में हमने इसकी दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि भाई इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी कि भाई कैरेक्टर प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स देखा था, उसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म, उसके प्रिंटिंग हेड में पिंस प्लेस हुई हुई होती हैं। इसी तरह से आपने डेजी व्हील में देखा था कि एक पेटल था जिसके ऊपर सारे कैरेक्टर्स इम्पोज हुए हुए थे। जब हैमर स्ट्राइक करता था तो वो कैरेक्टर प्रिंट होता था। आज हम पढ़ेंगे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर बेसिकली क्या होते हैं? लाइन प्रिंटर जो लाइन वाइज प्रिंटिंग करते हैं, लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं लाइन प्रिंटर। इसमें है सबसे पहला आपके पास ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर के अंदर एक सिलेंडर लगा हुआ होता है, उस सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर जो है वो कैरेक्टर्स इम्पोज हुए होते हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 0 to 9, A to Z, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया आपके पास, परसेंटेज का साइन हो गया, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स इसके ऊपर इम्पोज होते हैं। होता क्या है, ये मुसलसल जो है वो रोटेट करा होता है। इसकी रेवोल्यूशन स्पीड होती है 60 मिली सेकेंड्स। इस सिलेंड्रिकल ड्रम की स्पीड इतनी होती है। वो करता क्या है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो कि उसको इंस्ट्रक्शन मिली हुई होती है कंप्यूटर से, क्योंकि आपको पता है सारे प्रिंटर्स जो हैं वो कंप्यूटर से अटैच हुए होते हैं। होता क्या है, जिस तरह के इंस्ट्रक्शन वो उसको पास कर रहा होता है कंप्यूटर, उसी उन्हीं कैरेक्टर्स को वो क्या करता है, उस सिलेंडर पे एक्टिव करता है। प्रिंटर को वो पेज जो होता है उसको अपने ऊपर रोल करता है और उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को उस पेपर पे प्रिंट कर देता है। तो ये होता है इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म कि भाई वो मुसलसल रोटेट कर रहा होता है आपका जो सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स इम्पोज हुए हुए होते हैं, वो रोटेट कर रहा होता है। उसकी रोटेशन स्पीड होती है 60 मिली सेकेंड्स, उसकी रोटेशन स्पीड होती है। अब जो उसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो वो 132 कैरेक्टर्स पर लाइन, एक लाइन में 132 कैरेक्टर्स एट अ टाइम प्रिंट कर सकता है। तो ये था आपके पास ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो है वो बड़े लार्ज प्रिंटर होते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग जो है ये ड्रम प्रिंटर्स कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर दोबारा से किस कैटेगरी में फॉल किया, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो ये नॉइजी प्रिंटर होगा। नॉइजी है तो इसका भी स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होगा। वही सारी चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें इसके लिए भी फुलफिल होंगी, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप के अंदर फॉल कर रहा है। अच्छा जी, चेन प्रिंटर में क्या होता है, एक रोटेटिंग चेन होती है, चेन के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं। होता क्या है कि जो भी कैरेक्टर, और एक हैमर लगी हुई होती है, जैसे ही वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो प्रिंट होना होता है, जिसकी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की तरफ से मिली होती है, जैसे ही वो उस हैमर के नीचे आता है, हैमर उस पर स्ट्राइक करती है, वो इंक रिबन पे प्रेशर डालता है और वो क्या होता है, आपके पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये बड़े फास्टेस्ट प्रिंटर होते हैं और बड़े बड़े जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल होते हैं। इसकी स्पीड अगर आप देखें तो 400 to 2400 लाइन्स पर मिनट, एक लाइन में इतनी ज़्यादा जो है ये लाइन्स प्रिंट कर सकते हैं, 400 to 2400। उसके अलावा हमने देखा है कि भाई ये मेन फ्रेम्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, और इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इस चेन को जो रिप्लेस करना है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों? अगर उसमें कोई ख़राबी हो जाए तो उस चेन को, जो चेन प्रिंटर की चेन है उसको रिप्लेस करना बड़ा कोई मुश्किल प्रोसीजर है। अच्छा जी, तो आपने क्या क्या पढ़ा, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप्स कौन कौन से, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में आपने देखा है कि भाई एक सिलेंड्रिकल ड्रम फिट होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स इम्पोज हुए वो होते हैं, वो कैरेक्टर, वो जो रोटेटिंग ड्रम होता है वो उसको, उस पेपर को अपने ऊपर रोल कर लेता है, वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक्टिवेट करता है और उस पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करवा देता है। 132 कैरेक्टर्स पर लाइन जो है ये प्रिंट करवा सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में एक रोटेटिंग चेन होती है, वो चेन जो है वो उसके ऊपर कैरेक्टर्स इम्पोज हुए होते हैं, जैसे ही वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर आता है हैमर उस पर स्ट्राइक करती है, उस हैमर के नीचे आएगा वैसे ही हैमर उस पर स्ट्राइक करेगी और इंक रिबन
होगा नीचे और वो इसी तरह से जिस जगह इंक रिबन पे प्रेशर फील होगा बिल्कुल वैसे ही वो उस पर प्रिंटिंग करा देगा आपके पेपर के ऊपर। 400 to 2400 जो है लाइन्स पर मिनट के प्रिंट करता है। मेन फ्रेम्स यानी बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ ये इस्तेमाल होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में जो है बोनोन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे कि भाई उसकी क्या क्या टाइप्स हैं और जब इम्पैक्ट प्रिंटर्स मौजूद थे तो नॉन इम्पैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।